दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस स्मार्ट डायग्नोज फीचर्स के बारे में। अगर दोस्तों आपके एसी के अंदर भी यह स्मार्ट डायग्नोज का सिंबल है तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका एसी ओवरऑल ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, या मैं कहूँ तो उसकी हेल्थ कैसी है आप इजीली पता कर सकते हैं। इसके लिए आपका एसी को ज़रूरी नहीं है कि भाई वाईफाई एनेबल हो, बिना वाईफाई वाले में भी ये प्रॉपर काम करता है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं गैजेटल। सो दोस्तों आज बात करेंगे LG AC के स्मार्ट डायग्नोज फीचर्स के बारे में। दोस्तों ये फीचर्स बेसिकली आपके कुछ हद तक रुपए भी बचा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस फीचर्स के थ्रू आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपकी AC की हेल्थ कैसी है ओवरऑल। तो आपको कहीं टेक्नीशियन वगैरह को बुलाने की भी एक इमिडिएटली कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस फीचर से चेक कर लेते हैं कि भाई ओवरऑल इसकी हेल्थ कैसी है, और ये बता भी देता है कि भाई अभी ठीक चल रहा है या नहीं। तो मैंने ये 2-3 बार प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फीचर्स के बारे में एक वीडियो भी बनाई जाए। तो आज इसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई जा रही है। बेसिकली दोस्तों इसे दो ऐप के थ्रू आप पता कर सकते हैं। एक तो LG का जो खुद का ऐप है LG ThinkQ, एक वो आपको प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें तो LG AC स्मार्ट डायग्नोज करके एक ऐप है, जो कि पहले तो प्ले स्टोर पे था लेकिन अब प्ले स्टोर पर लिस्टेड नहीं है। ये ऐप आपको इजीली क्रोम पे मिल जाएगा, बट ये है कि भाई ये APK ऐप है, जो कि मतलब आपको हो सके तो रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि भाई थर्ड पार्टी है कोई, मतलब इस पर प्ले स्टोर पर लिस्टेड नहीं है, तो सिक्योरिटी से लेके कोई इश्यू हो सकते हैं। तो इसके लिए भाई आप कोई डमी फ़ोन यूज़ कर लेना, वैसे तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन वही बात है भाई अगर आपको लगता है तो आप डमी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं दोनों ऐप के थ्रू ही आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर ज़रूर कर दो। और दोस्तों इस 12 तारीख को इसको 1 महीना हो जाएगा इंस्टॉल करे, तो इसका 1 मंथ रिव्यू भी देने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड कुछ एक वीडियो और डाल रखी है लाइक इसकी एनर्जी कंजप्शन पे और रिमोट गाइडेंस पे, तो वो भी आपको वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके बाकी जो AI मोड है, हाई कैपेसिटी मोड है, विराट मोड, उसकी भी वीडियो मैं अभी जल्दी ही लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर याद करके सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के टेस्ट को शुरू करते हैं। सो दोस्तों जो LG का ThinkQ ऐप है, ये ऑफिशियल ऐप है इस टाइम LG का, और ये आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। तो अगर नहीं मिलता तो वही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इन दोनों ऐपों के। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं इसकी, तो ये देखो नीचे रिमोट के अंदर आपको एक रूम टेम्परेचर, इसके नीचे डायग्नोसिस का 5 सेकेंड लिखा हुआ है। इसे आप अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं 5 सेकेंड के लिए तो एक बीप की साउंड सुनाई देगी, उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देगा फीचर। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर से आपको कोड वर्ड में एक आवाज़ सुनाई देगी, जो कि ये ऐप डिटेक्ट करके इससे मतलब कुछ फंक्शन होगा भाई ऐसा, जिसे सही से मतलब समझ के ये आपकी AC की हेल्थ को बताता है। और ये चीज़ है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये बिना वाईफाई वाले में भी काम करता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस टेस्ट को शुरू करते हैं। ये दोस्तों मैंने पहले से सेटअप किया हुआ है, मेरा राज होम एयर कंडीशनर मेरा शो कर रहा है। तो अब दोस्तों बेसिकली क्या है कि इस ऐप को आप अगर इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, बस और कुछ नहीं है। ईमेल आईडी जैसे ही डालोगे तो ये साइन अप हो जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो दोस्तों इस टेस्ट को शुरू करते हैं। स्मार्ट डायग्नोज कैन कैच प्रॉब्लम अर्ली एंड हेल्प यू टू ट्रबल शॉर्ट देम, ये ऐसा कुछ लिखा रहा है। ये कह रहा है कि भाई आपका जो AC है पावर ऑन होना चाहिए, मेक श्योर कर लो। दूसरा कि ना आपके फ़ोन की पोजीशन आपके के नाम है AC के पास होनी चाहिए, और डायग्नोज का बटन 5 सेकंड प्रेस करना है, उसके बाद ही काम करेगा भाई। ये देख लो दोस्तों, टेम्परेचर सेंसर ओके है भाई, फैंस मोटर ओके है, कंप्रेसर ओके है, प्रेशर सेंसर ओके है, इन्वर्टर ओके है, वोल्टेज ओके है, रेफ्रिजरेंट ओके है, करंट सेंसर ओके है। तो ये चीज़ें दोस्तों जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली दोस्तों इस चीज़ से मतलब ये चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है कि मतलब जो जो चीज़ ओके है उसके ऊपर आपको टेक्नीशियन तो मतलब ये नहीं कह सकता आपको कि हाँ भाई मतलब
आपके एसी में ये प्रॉब्लम है, आप उससे सीधे तौर पर यह सॉल्व कर सकते हैं कि जब ये ऐप मुझे बता रहा है कि ये चीज़ ओके है, मतलब इसके अंदर गैस पूरी है, फैन मोटर सही है, सब कुछ सही है ये चीज़, तो आप कैसे बता रहे हो कि भाई ये चीज़ ख़राब है। तो भाई यही एक है कि मेथड की जिससे आपके पैसे कुछ हद तक सेव हो सकते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आते हैं दूसरे टेस्ट पर दोस्तों, जो इसका एक और ऐप है उसमें। ये रहा दोस्तों LG AC स्मार्ट डायग्नोस। इसके लिए भी दोस्तों 5 सेकंड आपको ये प्रेस करके छोड़ना है, और उसके बाद ये पीप की आवाज़ आएगी, उसके बाद ओके करना है। ये वॉल माउंटेड, ये ओके कर दिया। अब ये रिसीव का जो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसको ये देखो वॉल माउंटेड दिखा रहा है, इसको ओके करते हैं। अब ये जो रिसीव का है, इससे पहले इसको 5 सेकंड के लिए पहले प्रेस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इसके ऑपरेशन है, ये नॉर्मल ऑपरेशन में चल रहा है, ये खुद दिखा रहा है कि हाँ भाई सही ओके है। अब मैं आपको अगर कुछ चीज़ दिखाता हूँ तो देखो कुछ चीज़ें मैच भी करती हैं यहाँ पे, तो इससे भी कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये जो भी चीज़ बता रहा है सही है, अपनी तरफ से कुछ फॉल्स पर नहीं दे रहा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये 27 इनटेक एयर टेम्परेचर, यहाँ का इस टाइम 27 है, ये देखो 27 दिखा रहा है, 27 इस टाइम का नाम है कमरे का, रूम का टेम्परेचर है, 27 ये दिखा रहा है, यानी कि ये सही है बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसे कूल मोड कहते हैं, तो ये कूल मोड पे काम कर रहा है, कूल मोड, ठीक है। अब फैन की स्पीड लो पे है, देखो फैन की स्पीड लो पे है, तो यहाँ से इतना तो अपने को कन्फर्म हो जाता है कि भाई ये अपनी तरफ से कुछ भी फॉल्स डाटा नहीं दे रहा, जो है वही दे रहा है। तो दोस्तों ईजिली इस चीज़ से आप श्योर हो सकते हो कि भाई जो भी चीज़ है सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब अपनी तरफ से कुछ भी डाटा दे दिया इसने। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये कोशिश जो छोटी छोटी हैं बहुत अच्छी लग रही होगी, मतलब कुछ हद तक आपके काम आ रही होगी। अगर काम आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करो, और उसके तो चैनल पर भाई नए आए हो